लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। सीरिया पर हमला करने के बाद इजराइल की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। सीरिया पर इजराइल ने हमला किया और अब सीरिया जवाबी हमले के लिए तैयार है। हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है। लेबनान ने इजराइल पर हमला कर दिया है और लगातार ईरान भी चेतावनी दे रहा है, मिस्र भी चेतावनी दे रहा है और अब यहाँ पर सीरिया पर जो इजराइल ने हमला किया है, सीरिया के जो हवाई अड्डे एयरपोर्ट इजराइल ने तबाह किए हैं और जिस तरह से वहाँ पर रनवे को नुकसान पहुँचाया है, जिससे वहाँ पर कई दिनों तक उड़ान जो है वो नहीं हो पाएगी। अब सीरिया जवाबी हमले के लिए तैयार है। साथ ही कहा जा रहा है कि इजराइल पर अब चार देश मिलकर जो हैं वो हमला भी कर सकते हैं। कई तरह की बातें कही जा रही हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इजराइल ने सीरिया के हवाई अड्डों के साथ क्या किया और सीरिया उसे लेकर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहला ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट डीडी जियोपॉलिटिक्स का है। इस ट्वीट में लिखा है कि इजरायली दुश्मन ने एक साथ अलेपो और दमिश्क के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर मिसाइलों के विस्फोट से हवाई हमला कर दिया। आक्रामकता के कारण दमिश्क और अलेपो हवाई अड्डों के रनवे जो हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उनकी सेवा भी बंद हो गई है। यानी कि हवाई अड्डे जो हैं यहाँ पर वो उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है, रनवे को काफ़ी नुकसान पहुँचा है, जिससे उड़ान जो है उस पर भी असर पड़ेगा। आक्रामकता उन आतंकवादी समूहों का समर्थन करने के चल रहे दृष्टिकोण का हिस्सा है जिनसे हम लड़ रहे हैं और जो इजरायली इकाई की सशस्त्र शाखा का गठन करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजरायल ने सीरिया के हवाई अड्डों पर हमला किया और उसके बाद पूरा का पूरा मामला गरमा गया। कहा जा रहा है कि अब सीरिया को भी आदेश मिले हैं, सीरिया के डिफेंस सिस्टम को आदेश मिले हैं कि वो इस हमले का जवाब दे। दूसरा ट्वीट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ओसिन डिफेंडर का ये ट्वीट है। यहाँ पर 3 सेकंड का एक छोटा सा वीडियो शेयर किया गया है और लिखा है कि पश्चिमी सीरिया में दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और अलेप्पो हवाई अड्डे दोनों को आज इजरायली वायुसेना द्वारा निशाना बनाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप इतनी गंभीर क्षति हुई है कि हवाई अड्डे वर्तमान में किसी भी या फिर यूं कहें कि सभी उड़ानों के लिए बंद हैं, जिसमें कथित तौर पर विदेश मंत्री हुसैन को ले जाने वाले ईरानी सरकार के विमान भी शामिल हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल ने सीरिया पर हवाई हमला करके अपने लिए एक और मुसीबत मोल ली है। दूसरा ट्वीट आपके स्क्रीन पर है हादी नसरल्ला का। यहाँ पर ये लिखते हैं कि अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय है, इजराइल ने सीरिया में अलेप्पो और दमिश्क के दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर बमबारी की। अगली सूचना तक सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है और अभी भी उसके पास, यानी कि इजराइल गाजा में तो नरसंहार कर ही रहा है लेकिन उसके बावजूद भी सीरिया में नागरिक हवाई अड्डों पर बमबारी करने का, लेबनान पर सफ़ेद फास्फोरस गिराने का उसके पास समय है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल क्या किस हद तक पहुँच गया है। इजराइल यहाँ पर घातक हथियारों का इस्तेमाल भी कर रहा है और जिस तरह से उसने सीरिया पर हमला किया, इसके बाद इजराइल की मुश्किलें जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। रूस के विदेश मंत्री ने इसे लेकर बयान भी जारी किया है। क्या बयान दिया है आपको बताएंगे। यहाँ पर डीडी जियोपॉलिटिक्स का आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज़, रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीरियाई क्षेत्र पर इजरायली हवाई हमले से पूरे क्षेत्र में सशस्त्र तनाव बढ़ सकता है। मंत्रालय ने हमलों को सीरिया की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बुनियादी मानदंडों का घोर उल्लंघन बताया है। तो यहाँ पर इजराइल जो है गाजा में तो इजराइल लगातार नागरिकों पर बमबारी कर ही रहा है लेकिन सिविलियन एयरपोर्ट जो कि नागरिक एयरपोर्ट है सीरिया में, दोनों ही एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया गया, बमबारी की गई जिसके बाद दोनों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि लल्लन टॉप की खबर के मुताबिक कहा जा रहा है कि इसमें अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। साथ ही लल्लन टॉप की इस खबर में ये भी बताया गया है कि ये हमला कब और कैसे हुआ और इसे लेकर सीरिया क्या प्रतिक्रिया दे रहा है।
अब यहाँ पर आप ललन टॉप का ये आर्टिकल देखिए, जिसमें बताया गया है कि इजराइल ने सीरिया पर हमला किया और उसके बाद सीरिया क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, क्या चीजें हो सकती हैं और इजराइल के लिए कितनी मुश्किल हो गई है। कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल जो गाजा पे नरसंहार कर रहा है, दुनिया का उससे ध्यान हटाने के लिए उसने सीरिया पर बमबारी की है, हमला किया है। यहाँ देखिए लिखा है कि इजराइल ने अब सीरिया पर हवाई हमला किया, दो बड़े एयरपोर्ट पर गिराए बम। तो यहाँ पर दो नागरिक एयरपोर्ट पर बम गिराए इजराइल ने सीरिया के, और उसके बाद दोनों एयरपोर्ट जो हैं वो तबाह हो गए हैं। यहाँ लिखा है कि हमास से जारी जंग के बीच इजराइल के सीरिया पर हवाई हमले की खबरें आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सीरिया के सरकारी चैनल के हवाले से ये जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने सीरिया के प्रमुख हवाई अड्डों को निशाना बनाया है। ये दोनों ही एयरपोर्ट प्रमुख है, यानी कि दोनों ही एयरपोर्ट जो हैं वो सबसे बड़े एयरपोर्ट हैं। इसमें दमिश्क और अलेपो शहर के एयरपोर्ट शामिल हैं। सीरियाई मीडिया के मुताबिक हमले के बाद दोनों एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। सीरिया के सूचना मंत्रालय से जुड़ी सीरियन अरब न्यूज एजेंसी ने सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया कि हमला 12 अक्टूबर की दोपहर लगभग 1:50 पर हुआ। इजरायली सेना ने अलेप्पो और दमिश्क एयरपोर्ट पर हमला किया। इस हमले में एयरपोर्ट के हवाई पट्टी को नुकसान पहुंचा। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि इजराइल ने गाजा में अपने अपराधों से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए सीरिया पर हमला किया है, क्योंकि गाजा पर इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा है, लगातार आम लोगों को निशाना बना रहा है। कहा जा रहा है कि उससे ध्यान भटकाने के लिए जो है ये सीरिया पर हमला किया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक स्थानीय मीडिया चैनल शाम एफएम ने बताया कि सीरिया ने भी अपने हवाई डिफेंस को इन हमलों का जवाब देने का आदेश दिया है, यानी कि यहाँ पर सीरिया जो है वो इन हमलों का जवाब इजराइल को देगा। बताया गया है कि हवाई हमले में अलेप्पो हवाई अड्डे को नुकसान हुआ है। अब तक किसी व्यक्ति के मौत की खबर नहीं आई है। दमिश्क एयरपोर्ट को लेकर कोई अपडेट फिलहाल नहीं है। वहीं रॉयटर्स की माने तो इन हमलों को लेकर इजराइल की तरफ से अब तक कोई बयान जो है वो नहीं दिया गया है। तो ये खबर आपने देखी कि किस तरह से जो है 12 अक्टूबर की ये खबर है। हालांकि ये खबर अभी और भी अपडेट हो गई होगी और इसमें कई तरह की चीज़ें जो हैं वो जुड़ गई होंगी, और यहाँ पर जो तमाम अपडेट्स आ रही हैं वो इसमें आ गई होंगी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इजराइल किस तरह से पहले तो गाजा में नरसंहार करता है और उसके बाद अब जो नागरिक एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर हवाई हमला करता है। आप सोचिए वहाँ पर कितने लोगों की जान को खतरा हो सकता था। हालांकि अभी तक तो किसी की मौत की खबर नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि आगे आगे जैसे खबर में अपडेट हो वैसे ही किसी के हताहत होने की खबरें आई, या फिर वहाँ पर जो कुछ नुकसान हुआ है उसका ब्यौरा जो है वो सामने रखा जाए। तो यहाँ पर इसराइल की मुश्किलें जो हैं वो फिर से एक बार बढ़ गई हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसराइल की इस हरकत के बाद कई देश इसराइल पर मिलकर हमला कर सकते हैं, और अब सीरिया भी जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? इजराइल ने जिस तरह से सीरिया पर बमबारी की है, सीरिया के हवाई अड्डों पर बमबारी की है, और उसे लेकर जिस तरह से सीरिया ने जवाबी हमले की तैयारी कर ली है, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।